So hello everyone, welcome to our YouTube channel that is Youth Sarthak. So today we are completing our pardon topic that is transportation. अभी हम life process chapter अपना complete करने वाले हैं, तो इसमें हमने nutrition पढ़ लिया है, respiration के आपके पास पूरे updates पहुंच चुके हैं, questions कर लिए हमने उसके बारे में, तो हम अपना next topic continue करने जा रहे हैं जो कि transportation है हमारा. So this is our chapter life process and the topics we are covering in this video. That is transportation, transportation in plants, transport of water and minerals in plants, transpiration and transport of food in plants. हम ये सारे topics इस video में complete करने वाले हैं. So without wasting the time, let's begin our chapter. Let's begin this topic. And before watching this video, you need to like, share and subscribe our channel Youth Sarthak. So let's start it. So we are having our first topic की transportation होता क्या है. अब हम transportation के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें basically पता होना चाहिए कि सबसे पहला question हमारे पास यही arise होता है कि transportation भाई है क्या. तो transportation यानी कि shifting of one thing to another या फिर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह से shift करना, just is a transportation. But we are talking about here in respiration digestion system, like here we having transportation. तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि transportation इसके through क्या होता है. So transportation in organism is also a life process. जो transportation organisms के अंदर होता है वो भी एक life process होता है, यानी कि जीवन जीने की गति होती है. फिर in animals transport of substances is done by the help of circulatory systems. अब यहाँ पे हम animals की सबसे पहले बात करते हैं, तो जो transport होता है substances का वो circulatory system के through work करता है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वर्क करता है तो व्हाइल इन प्लांट्स इट्स डन बाय स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज. अब एनिमल में तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि भाई उनके अंदर तो पूरे ब्लड विंग्स और आर्टरीज वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होती हैं. बट इन प्लांट्स की बात करें तो वो होता है हमारे स्पेशल टिश्यूज, जिन टिश्यूज को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज. नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें, इनके बारे में पढ़े कि लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है. देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. फर्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स बाय द हेल्प ऑफ ऑक्साइलम. अब जो जाइलम होता है ये एक हमारा ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से वाटर और मिनरल्स सॉइल से लीव्स में ट्रांसफर किए जाते हैं. एक प्लांट होता है हमारे पास, उसकी जो सॉइल्स में जो उसकी रूट्स होती हैं, रूट्स वहां से उसके वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारे पूरे स्टेम्स कॉल्ड लीव्स को. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द हेल्प बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम. अब जो फ्लोएम होता है इसका वर्क होता है कि जो लीव्स में हमारा वाटर और मिनरल सप्लाई हो रहे हैं, जो लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रही हैं, उसको स्टेम्स में रूट्स में हर जगह ट्रांसफर करना. दिस इज नोन एज द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट में हो रही है वो हमारी इन दो तरीके से हो रही है. एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. इफ यू नीड टू राइट इट, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप अपने नोट्स भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. इट्स अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज आई राइट. So our next topic is here, that is transport of waters and minerals in plants. अब हमने अभी पढ़ा कि क्या क्या किस टाइप से वो जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है, तो हम यहाँ पे बात करें कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. The xylem tissue transport water and minerals from the soil to the leaves for photosynthesis. Photosynthesis आप जानते हैं कि प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी जो है हमारी प्लांट्स की बॉडी होती है फूड प्रिपेयर करके अपना सेल्फ न्यूट्रिशन होते हैं उनके. तो जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, सॉइल से और लीव्स तक. सॉइल से और लीव्स तक वो ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस अपना वर्क कर सके. फोटोसिंथेसिस मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट्स फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर. तो ये इसकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि इसके जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है यहाँ पे जो वाटर वो रिलीज कर रही है वो उसका फूड होता है. Vessels and tracheards of xylem tissue in roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system for water reaching all parts of the plant. अब देखिए जो हमारी vessels होती हैं, tracheards and vessels जो होती हैं xylem के अंदर, tissues के अंदर, xylem tissue के अंदर present होती हैं हमारी vessels और tracheards, ठीक है, जो अंदर ही अंदर connected होती हैं हमारी roots से, stems से और leaves से, ठीक है, are interconnected to form continuous system. ताकि फूड की प्रिपरेशन रेगुलर चलती रहे, ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर चलता रहे, रेस्पिरेशन रेगुलर चलता रहे, न्यूट्रिशन रेगुलर चलता रहे,
उसके लिए ये जो हमारे वेसल्स और ट्रेकियाज होते हैं एक कंटिन्यूस सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो सारी ट्रांसपोर्टेशन उसमें रेगुलर चलती ही रहती है, वो कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है। फूड प्रिपेयर करना, रूट से मिनरल्स को वहाँ लीव्स तक पहुँचाना, वहाँ से फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन दिस। नेक्स्ट, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को, एंड जो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, किसकी हेल्प से, रूट से, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, उसे प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, इन सब में वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। आपको मैंने एक प्रोसेस बताया था कि इन सब चीजों को जो एब्सॉर्ब करता है, एक प्रोसेस होता है, एक मूवमेंट होता है इसका प्रॉपर, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस की हेल्प से जो वाटर होता है वो प्लांट उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, देन एंड द मिनरल्स आर एब्सॉर्ब इन एज आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एक मूवमेंट होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया ऑस्मोसिस ने, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होता है वो एब्सॉर्ब करता है हमारे मिनरल्स को, कहां से, सॉइल से एब्सॉर्ब कर लेता है। The water and the dissolved minerals absorbed by the roots hairs from the soil passes from cell to cell by osmosis through the cortex and endomysis. तो जो हमारा क्या वाटर होता है वो डिजोल्व हो जाता है मिनरल्स, और जो वाटर होते हैं हमारे वो डिजोल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली, किसकी हेल्प से, रूट हेयर्स की हेल्प से। रूट हेयर्स जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत यूजफुल होते हैं, तो वो वाटर कौन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल पासिस फ्रॉम द सेल टू सेल बाय द ऑस्मोसिस। अब वो इनको पास करते हैं कहाँ से, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल टू सेल इनको ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, कॉर्टिक्स की और एंडोमिस की हेल्प से, एंडोमिस की और कॉर्टिक्स की हेल्प से वो उसको वर्क करते हैं। ये यहाँ पे इसका एक बेसिक सा एक डायग्राम है जहाँ पे एंडोमर्सिस, इंडोमर्सिस दिखाया हुआ है हमने, यहाँ पे पेरिसाइकल दिखाई हुई है, कॉर्टेक्स दिखाए हुए हैं, और हमारे जो भी लेयर होती है एपिडर्मिस की, सॉयल पार्टिकल्स हैं, फिल्म ऑफ वाटर शो किया हुआ है, ये सारा रूट हेयर्स सब कुछ प्रेजेंट किया हुआ है। अब ये हमारे रूट हेयर्स होते हैं, ये हमारी रूट्स है, और ये जस्ट आउटर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये हमारी सॉइल होती है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स इसके रूट के अराउंड इट में है पूरे, और यहाँ पे ये रूट हेयर्स इसका आपको शो हो रहे हैं। अब ये हो गया इसका वाटर, फिल्म ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की जो एक लेयर होती है, यहाँ से एब्जॉर्ब करता है एंड जस्ट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द होल बॉडी ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन, सो इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज, और ये टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है एग्जाम में कि ट्रांसपिरेशन होता क्या, ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट होता है, ट्रांसपिरेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इट्स अबाउट 50-50। सो लेट्स टीच इस, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मैंने बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको ये वीडियो दी है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। जब वाटर का लॉस होता है किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। आपने वाटर साइकिल सुना होगा, उसमें क्या होता था, वाटर वेपर्स बन के ऊपर क्लाउड्स में चले जाते थे, बट एज सेम इन दिस कंडीशन इट्स अबाउट प्लांट्स। तो प्लांट्स में जब ट्रांसपिरेशन होती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर बनते हैं, और वेपर बन के वो जस्ट थ्रू आउट द लीव्स। कैसे होता है कि जो हमारी स्टोमेटा होती है जब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारी रिएक्शंस होती है, फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो आपने उसमें देखा होगा ग्लूकोज प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ रिलीज करती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है। वही वाटर मॉलिक्यूल जब लीव के ऊपर आते हैं, जिसको हम ओस बोल देते हैं, बट वो ओस नहीं होता, वो प्लांट की इनर लेनिंग होती है जो वहां से वो रिलीज कर रहा है। जब वो ऑस्मोसिस के थ्रू ऊपर आता है लीव्स के फोटोसिंथेसिस के बाद में, तो वो वेपर बन के जस्ट वेपर आउट हो जाता है। रूट टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब पहला इसमें आता है कि जो रूट्स होते हैं वो वाटर ले लेते हैं सॉइल से। वाटर इज ड्रॉन अप टू द स्टेम टू द लीव्स। जो वाटर होता है वो स्टेम से लीव्स तक ड्रॉन हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जब वो सॉइल से वाटर को लेंगे तो वो स्टेम्स तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, स्टेम से लीव्स में। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स। अब जो वाटर होता है बाकी का बचा, वो जो एक्सेप्टेड वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, कहां से, लीव्स से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। अब हम बात करें कि फूड के अंदर जो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब हम बात करें कि फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम।
फ्लोएम जो हमारा कंडक्टिंग टिश्यू होता है, इसकी हेल्प से जो हमारा पूरी बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट बॉडी प्लांट्स की बॉडी जो है बची हुई है उसके अंदर हमारा पूरा फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जस्ट आपको ये वर्ड याद रखना है, डेट इज फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम, और आपने ये तीन दो वर्ड सुन लिया अच्छी तरीके से, इनको आपको माइंड में रखना है, सेटअप रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्वेरी जरूर आ जाती है एमसीक्यूज में भी, कि कौन सा वर्क कौन सा सिस्टम कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू कैसे वर्क करता है और कौन सा वर्क किस कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू होता है, तो ये आपको बेसिकली आ सकता है। नेक्स्ट वन, द फ्लोएम यूटिलाइजेस द एनर्जी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको तीन फॉर्म्स बताई थी, एटीपी, एडीपी एंड पीआई। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड पीआई फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे जो यूटिलाइज फ्लोएम जो एनर्जी यूटिलाइज करता है वो एनर्जी हमारी एटीपी की फॉर्म में होती है सेल्स के अंदर, एंड क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि जो हमारे रूट से जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है हमारा मिनरल्स का और वाटर्स का वो अपसाइड जाए, ड्रोन अप हो और जाके हमारी लीव्स में जाकर हमारा फोटोसिंथेसिस का वर्क कंप्लीट करे। सो यहाँ पे हमें पूरा एक स्टेम स्ट्रक्चरल दिखाया हुआ है यहाँ पे, कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ सीवी ट्यूब, सीवी ट्यूब का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें शो किया हुआ है। ये हमारा कंपेनियन सेल्स, ये जो आपको यहाँ शो हो रही है मतलब आउटर लेयर होती है जिसको हम भारी परत बोलते हैं, ठीक है। सीवी ट्यूब ही हमारी पूरी सीवी ट्यूब्स की, आपको ये पतली पतली लेयर्स दिख रही है, सीवी ट्यूब्स है हमारी। अब सीवी ट्यूब के अंदर जो पोर्स होते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर वर्क करती है, तो ये सीवी ट्यूब्स के पोर्स यहाँ पे आपको ये शो हो रहे हैं। दीज आर हैविंग 1, 2, 3 and 4 पोर्स वी आर हैविंग हियर, एज सेम एज वी हैविंग पोर्स हियर। सीवी प्लेट्स, सीवी प्लेट्स कौन सी होती हैं, जो आपको यहाँ पे लाइनिंग पतली पतली लेयर्स दिख रही हैं, ये सारी सीवी प्लेट्स होती हैं जो पेड़ के अंदर एक जिसको हम बक्कल भी बोल देते हैं, ये सारी वो प्लेट्स होती हैं। फाइन साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स, अब ये जो इनके बीच में यहाँ पे स्पेस है ये है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स का स्पेस। फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टलम, अब यहाँ पे इसमें कुछ टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट होती है किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देन वी आर हैविंग टू पोर्स हियर, दैट इज ऑर्गेनेल प्रेस अगेंस्ट सेल वॉल्स, ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर करते हैं ताकि वो इसको लेयर आउट ना करे। वी आर हैविंग सेल्युलोज वॉल, सेल्युलोज वॉल कौन सी होती है, जो हमारी ऊपर की जो मोटी बक्कल होती है हमारे पेड़ की उसके अंदर जो एक सॉफ्ट सी लाइनिंग वाली जिसमें थोड़ा मैट सा रश होता है वो होती है हमारी सेल्युलोज वॉल। डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म, जो डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है वो पेड़ को प्रोटेक्ट करता है, कैसे, जो उसकी भारी मोटी परत होती है वो उसको कवर करके रखती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमारी आउटर लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये आता है हमारा प्लाज्मोमेटा कनेक्टिंग सीवी एलिमेंट विद कंपेनियन सेल्स, ये सीवी एलिमेंट्स को कंपेनियन सेल्स से कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड इट, सो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, आपको मोस्टली एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल यूथ सार्थक। थैंक यू।